अब हम जिस टाइप ऑफ रिटेलर को डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हमारे पास है डिपार्टमेंटल स्टोर नॉर्मली इसको हम ट्रेडिशनल डिपार्टमेंटल स्टोर के नाम से जानते हैं सो सच काइंड ऑफ स्टोर नॉर्मली दे ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट टू द कस्टमर इनके पास दे इज अज डेप्थ ऑफ दॉटमेंट दज ए ह्यूज ब्रेथ ऑफ दॉटमेंट तो यहाँ पर आपको यू विल ऑलवेज फाइंड असॉटमेंट एक्सटेंसिव अटमेंट ऑफ द स्टोर्स नॉर्मली डिपार्टमेंटल stores इस तरीके से उसके नाम से विजिबल है आपको कि इस तरह के स्टोर जो हैं वो कैटेगराइज करते हैं प्रोडक्ट कैटेगरीज के हवाले से इन टू डिफ़रेंट डिपार्टमेंट्स यानी कि यू विल फाइंड डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ़ प्रोडक्ट कैटेगरीज तो जब हम प्रोडक्ट कैटेगरीज की स्पेसिफिकली बात करते हैं इस तरह के ट्रडिशनल डिपार्टमेंट स्टोर के हवाले से तो हैज़ यू एंटर इन टू द स्टोर एंड यू विल एग्जिट फ्राम द स्टोर इसके दरम्यान में यू विल फाइंड ऑलमोस्ट 18 टू 19 डिपार्टमेंट्स डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है रिटेलर के ऊपर डिपेंड करता है उसके प्रोफाइल के ऊपर तो अगर हम इस तरह के रिटेलर की बात करें जो एक ट्रेडिशनल डिपार्टमेंटल स्टोर की बेसिस के ऊपर अपने आप को काम कर रहा है अपने आप को ऑपरेट कर रहा है तो इस तरह का जो रिटेलर है वो नॉर्मली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी सेल कर रहा होता है सो देर इज अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट कैटेगरीज विच इज फ्रेश फ्रूट प्रोडक्ट्स इसी तरीके से देन विल बी फिश डिपार्टमेंट सेपरेटली इसी तरीके से देर विल बी बेकरी डिपार्टमेंट सेपरेटली देर विल बी डेयरी डिपार्टमेंट सेपरेटली जहाँ पर डेरी प्रोडक्ट सेल हो रही होंगी बेकरी के अंदर बेकरी सेल हो रही होगी मेड डिपार्टमेंट होगा अगेन प्रोडक्ट कैटेगरीज की बेसिस के ऊपर देर विल भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इसी तरीके से फूड प्रोडक्ट की अगर हम और बात करते हैं तो ग्रॉसरी आइटम्स के हवाले से भी इसी तरीके से यहाँ पर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होगा स्वीट्स के हवाले से प्रॉपर एक डिपार्टमेंट है जो कि कैटेगराइज करता है डिपार्टमेंट स्टोर के डेफिनेशन के ऊपर और फिर इसी तरीके से हमारे पास बेवरेजेस की एग्ज़ाम्पल है टोबैको की एग्जाम्पल है और फिर इसी तरीके से हमारे पास अगर नॉन फूड की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसिस सीजनल आइटम्स लेदर गार्मेंट्स और वो तमाम तरह के बेसिक प्रोडक्ट्स जो कि लट से ऑफिस सप्लाइज के हवाले से भी हैं पेपर के हवाले से हैं लेदर गारमेंट्स के हवाले से हैं शूज के हवाले से हैं बैग्स के हवाले से हैं लगेज के हवाले से हैं सो so, ये वह तमाम एग्जांपल्स हैं इन जनरली वह तमाम डिपार्टमेंट्स हैं वो तमाम प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं जो कि आपको नजर आएंगी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर और ये डिपार्टमेंटल स्टोर के क्राइटेरिया को डिफाइन करती हैं क्योंकि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ एक डिपार्टमेंटल स्टोर की यही है कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो तकरीबन तमाम बड़ी प्रोडक्ट कैटेगरीज को तमाम मेजर प्रोडक्ट कैटेगरीज को अपने अंदर कैटर किए हुए होता है अगर हम इस तरह के डिपार्टमेंटल स्टोर की बात करें तो नॉर्मली ये शॉपिंग सेंटर्स के अंदर भी पाए जाते हैं और यू विल फाइंड दैम इन आइसोलेशन प्लेसेस के ऊपर ऐसा भी है कि फुल फ्लैज डिपार्टमेंटल स्टोर एक अकेली बिल्डिंग के अंदर मौजूद है और दे यू कैन फाइंड लॉट ऑफ इंस्टेंसेस के जहाँ पे इस तरह के डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं जो कि एक प्रॉपर किसी न किसी मॉल कॉन्सेप्ट के अंदर मौजूद हैं किसी न किसी शॉपिंग सेंटर कॉन्सेप्ट के अंदर मौजूद हैं जिस तरीके से मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया इसकी असॉटमेंट के हवाले से विच इज़ द प्रोडक्ट डिज दे ऑफर टू कस्टमर तो यहाँ पर एक्सटेंसिव रेंज मौजूद है प्रोडक्ट के हवाले से नॉर्मली डिपार्टमेंट स्टोर हेवी एडवर्टीजमेंट यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अपने मैसेज को कस्टमर को अक्रॉस करने के लिए और वो एडवर्टीज़मेंट मोस्ट केसेस के अंदर वो बी टी एल एक्टिविटी होती है बट नॉर्मली सम टाइम्स के ऊपर दे यूज़ ए टी एल एक्टिविटीज़ ऑल्सो विच मीन्स के दे गो टू द टेलीविजन मीडिया के हवाले से भी इस तरह के डिपार्टमेंटल स्टोर्स नॉर्मली अपनी सेपरेट मार्केटिंग पोस्ट भी निकालते हैं जो कि एक पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट होती है एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर विच इज़ नॉर्मली 14 डेज और 15 डेज डिपेंडिंग ऑन द डिपार्टमेंटल स्टोर स्ट्रेटजी यानी के मंथ के अंदर दो दफा डिपार्टमेंटल स्टोर पोस्ट नॉर्मली पब्लिश करते हैं और शेयर करते हैं अपने रिटेल कस्टमर्स के साथ और डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर जो थर्ड इंपॉर्टेंट बात हमारे पास आपको नजर आएगी वो है पर्सनल सेलिंग के हवाले से दैट यू विल फाइंड लॉट ऑफ पीपल जो के यहाँ पर आपको गाइड करने के लिए आपको असिस्ट करने के लिए आपको सपोर्ट करने के लिए मौजूद होंगे यानी कि यू विल बी आस्किंग दैम यू विल बी गोइंग टू द डिपार्टमेंट वहाँ पर रेलिवेंट प्रोडक्ट के एक्सपर्ट मौजूद होंगे या रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होंगे ब्रांड एम्बेसडर्स मौजूद होंगे वो विल भी गाइडिंग यू इसीलिए जब भी आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर जाएंगे विद इज ट्रेडिशनल डिपार्टमेंटल स्टोर तो वहाँ पर आपको लॉट ऑफ पीपल जो कि थर्ड पार्टी आउटसोर्स भी हो सकते हैं यानी कि ऑन द पेयर ऑल ऑफ़ द कंपनी कंपनी के ऊपर भी हो सकते हैं और ऑन द पेयर ऑल ऑफ द रिटेलर भी हो सकते हैं तो ये दोनों तरह के लोग हैं जो कि आपको सपोर्ट करते हैं आपके प्रोडक्ट के हवाले से इसकी एग्जाम्पल्स के ऊपर आते हैं तो हमारे पास पेनेट्स की एग्जाम्पल सबसे पहले है ल्यूइस की एग्जाम्पल हमारे पास इसके सामने है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर पोटपुरी की एग्जांपल हमारे पास है एच के बी की एग्जांपल हमारे पास है अगर मैं एशियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात करता हूँ तो हमारे पास बिग बाजार की एग्जांपल है वन ऑफ द गुड एग्जांपल्स है जो कि ऑफ कोर्स इंडियन बेस्ड स्टोर है बट वेरी गुड एग्जाम्पल विद रिस्पेक्ट टू डिपार्टमेंटल स्टोर पैनिट्रेटेड थ्रू आउट द कंट्री लेकिन दे आर वर्किंग वेरी गुड इन द सेम फॉर्मेट ऑफरिंग ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट रेंज टू द कस्टमर्स इसी तरीके से चाइना के हवाले से इन टाइम रिटेल इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल रिटेलर के हवाले से अच्छा नॉर्मली जब मैं डिपार्टमेंटल स्टोर के हवाले से बात करता हूँ तो ये हमेशा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट की बात हो रही है ये बात आपने हमेशा जहन में रखनी है कि डिपार्टमेंटल स्टोर तो पर क्योंकि प्रॉपर कैटेगरी बेस्ड है प्रॉपर कैटेगराइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट तो यहाँ पर अनस्ट्रक्चर्ड का होना या अनऑर्गनाइज का होना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पोसिबल वाली बात है इसी तरीके से इस तरह के स्टोर्स नॉर्मली आपको अर्बन एरिया के अंदर ज़्यादा नजर आएंगे रूरल एरियाज़ के अंदर ऐसे तरह की प्रोडक्ट कैटेगरीज आपको स्टोर्स बहुत रेयर नज़र आएंगे और इस तरह की कैटेगरीज के ऊपर इन तरह के स्टोरस के अंदर आपको बहुत ज़्यादा सर्विस का एस्पेक्ट भी नज़र आएगा जिस तरीके से इन टाइम रिटेल की अगर हम बात करते हैं तो इस तरह का रिटेलर आपको ना सिर्फ प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट बाई कर लिया है सो दे विल इंश्योर कि वो प्रोडक्ट आपको डिलीवर भी हो गया दे विल इंश्योर कि वो प्रोडक्ट आपके पास प्रॉपरली इंस्टॉल भी हो गया सो विच मीन्स नॉट ओनली द सेल्स बट ऑल्सो सर्विसेज आफ्टर सेल्स सर्विसेज के तमाम परस्पेक्टिव एक डिपार्टमेंटल स्टोर कंसिडर करता है अपने पर्टिकुलर कस्टमर के हवाले से तो जब भी आपने ट्रेडिशनल डिपार्टमेंटल स्टोर के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना हो एक्जाम्पल्स को अपने सामने लेकर आइए जो हमने डिस्कस किया है वो बेशक पाकिस्तान के कॉन्टेक्ट के अंदर एच के बी की बात थी वो जब बेशक पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर भोटपुरी की बात थी या इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स की बात थी जो आपके सामने इन टाइम रिटेल और बिग बाजार के हवाले से शेयर की या बैनट्स के हवाले शेयर किया तो आप इसको रिकॉल करें दिस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर